लेतनाथ मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत थर्ड पार्ट में फॉर्म भरने से वंचित छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक से मिले। एनएसयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाए तिथि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में थर्ड पार्ट में फॉर्म भर देने के संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आवेदन सौंपे। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में थर्ड पार्ट का फॉर्म भरने का तिथि दिया गया था, लेकिन छात्र छात्राओं को समुचित जानकारी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्तीपुर बेगूसराय मधुबनी जिला के हजारों छात्र छात्राओं थर्ड फॉर्म पार्ट में फॉर्म भरने से वंचित रह गया। छात्र छात्राओं का सिग्नेचर के साथ 100 से अधिक आवेदन जमा करवाए। दरभंगा एनएसयूआई छात्र एवं छात्राओं को भविष्य को देखते हुए थर्ड पार्ट में फॉर्म भर देने की मांग करते हैं। इसके लिए एनएसयूआई शुक्रगुजार रहेगा। वहीं छात्र वैभव कुमार ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक महोदय से हम सभी छात्रों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपा करने की बात कही। जी आज आज जो है सो थर्ड पार्ट का लगातार पूर्व में डेट निकला था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा निकाला गया था, उसके दरमियान भी ठंडी की वजह से या बहुत व्यक्ति को सोशल मीडिया या पेपर न्यूज मूल जगह तक नहीं पहुंचने के कारण से हजारों छात्र समस्तीपुर बेगूसराय मधुबनी और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेज हैं उस कॉलेज के छात्र छूट गया था। इस संदर्भ में हम अभी विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक महोदय को एक एप्लीकेशन दिए, उनसे निवेदन किए, आग्रह किए हैं कि जो बच्चे हैं उसके भविष्य को देखते हुए एक और मौका पुनः देना चाहिए, जिससे बच्चे फॉर्म भर के अपना थर्ड पार्ट की परीक्षा दे दें। इसमें सभी छात्र जो प्रमोट पेंडिंग है उनका भी, जो पास क्वालिफाइड है पास पार्ट वन पार्ट टू, तमाम छात्र छात्राओं को ये फॉर्म भरने का अनुमति देना चाहिए। इन तमाम मुद्दे को लेकर के हमने एप्लीकेशन दिए त्रिभुवन कुमार एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दरभंगा एनएसयूआई।